नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आज का इंतजार था कि जो आरबीआई की 6 सदस्यता की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है वो लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन और लोन रिस्ट्रक्चर और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर अपने क्या फैसले लेकर आती है। तो आज हमारे देश के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अंदर क्या क्या फैसले लिए गए पूरे लोगों को अपडेट किया। आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट कवर करूंगा कि जो मौद्रिक समीक्षा नीति के अंदर लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड क्या क्या अपडेट दिए, लोन से रिलेटेड क्या अपडेट दिए, क्या इंटरेस्ट रेट आपका कम किया या नहीं किया, और नए नए ऐसे क्या अपडेट हैं जो मौद्रिक समीक्षा नीति के अंदर अपने फैसले लिए गए। और दोस्तों, अगर आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड अकाउंट की केवाईसी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए 6 मेन पॉइंट है उसके ऊपर अपना जो डिसीजन दिया। सबसे पहले जो रेपो रेट है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, और साथ में जो रिवर्स रेपो रेट है उसके अंदर भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। यानी इसका डायरेक्टली ये है कि अगर आपने कोई भी बैंक से लोन ले रखा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट या बैंक के अंदर पैसे जमा कर रखे हैं तो उनके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट नहीं चेंज होगा। यानी कि आपने कोई लोन ले रखा है या पैसे जमा कर रखे हैं, जो पहले वाला इंटरेस्ट रेट है वही उनके ऊपर चलेगा। बहुत सारे बैंक अभी लोन देने के लिए मना कर रहे हैं कि लिक्विडिटी नहीं है, तो आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि जो लिक्विडिटी हम बैंकों को और प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोग बैंकों से लोन ले सकें और जो अपना ये क्राइसिस आ रखा है इस क्राइसिस से उभर सके। साथ में यह भी मेंशन किया कि जो डिजिटल पेमेंट इंटरफेस है हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्वार्टर में इसको और भी बढ़ा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा 10,000 करोड़ रुपए का जो लोन है लिक्विडिटी है वो नाबार्ड बैंक को आरबीआई ने प्रोवाइड किया है। जितने भी एमएसएमई लोन है अगर वो लोन इलिजिबल है रीस्ट्रक्चर के लिए तो हम उन लोनों को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करेंगे। जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोन है उनको पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। और बात रही फाइनल मोरेटोरियम और लोन ईएमआई एक्सटेंशन की, तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया गया कि मोरेटोरियम को आगे बढ़ाया जाएगा या 31 अगस्त 2020 को मोरेटोरियम को खत्म कर दिया जाएगा। यानी इधर अभी भी कंफ्यूजन रह जाता है कि जितने भी लोन ईएमआई मोरेटोरियम है क्या वो 31 अगस्त 2020 के आगे बढ़ेगा या 31 अगस्त 2020 तक खत्म हो जाएगा। अभी भी आरबीआई गवर्नर ने मीटिंग के अंदर मोरेटोरियम से रिलेटेड अपना कोई भी पॉइंट डिस्कस नहीं किया, क्या मोरेटोरियम आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा या मोरेटोरियम इधर ही फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की और जितने भी बड़े बड़े ऐसे सेक्टर हैं जिनके लोन अभी एनपीए में जा रहे हैं, अगर हम उन स्टेटमेंटों के ऊपर बात करते हैं तो इधर यही इशारा मिलता है कि 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में मोरेटोरियम एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन आज की मीटिंग के अंदर लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन के ऊपर आरबीआई गवर्नर द्वारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई कि फिनिश हो जाएगा या आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो आगे हम फर्दर जितने भी लोगों ने लोन ले रखे हैं और जिनके पास पैसे नहीं है लोन भरने के लिए, एक्चुअली इसकी फाइनल अपडेट मेरे हिसाब से 20 तारीख तक आप लोगों को मिल सकती है कि मोरेटोरियम एक्सटेंड हो गया या नहीं होगा। अगर मैं बात करूं पीछे सुप्रीम कोर्ट का भी एक अपडेट आया था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 31 अगस्त 2020 तक सारे के सारे जितने लोगों ने मोरेटोरियम ले रखा है वो पूरा पैसा लोन ईएमआई एक साथ भरना पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड भी एक अपडेट आया है इसका सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि जो लोग डर रहे हैं कि एक्चुअली उनको लोन एक साथ भरना पड़ेगा या पैसे कैसे भरने पड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक अपडेट आ रखा है कि लोन कैसे भरना है, अक्टूबर में भरना है या उससे आगे भरना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो जो आरबीआई गवर्नर द्वारा जो जो मेन पॉइंट थे मैंने वीडियो में आपको डिस्कस कर दिए, नेक्स्ट वीडियो का प्लीज दोस्तों आप वेट कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।